हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग? और दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो रिलेटेड टू हाउ टू बिकम अ एस्टिमेशन इंजीनियर है। कई लोगों को मैंने देखा है कि प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो अगर उनको लगता है कि मेरी मैथ्स अच्छी है तो एस्टिमेशन इंजीनियर एक अच्छी प्रोफाइल हो सकती है आपके लिए। आप बोलोगे सर इस प्रोफाइल में एंट्री कैसे करें अगर आप कहीं पर वर्किंग हो, फिर भी अगर आपको मूव करना है एस्टिमेशन इंजीनियर के लिए तो मैं आपको एक पाथ बताने जा रहा हूँ जिस पाथ को से आप इजिली जा सकते हो एस्टिमेशन इंजीनियर की पोस्ट पे। ऑटोडेस्क एस्टिमेशन एंड कॉस्ट क्वांटिटी सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर अगर आप सीख लेते हैं उसमें केवल प्लान को इंपोर्ट करके इजिली एस्टिमेशन हो सकता है, और इजिली एस्टिमेशन के स्टेप्स आप सीख लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपके लिए यही था कि आप एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर सीख लीजिए। सेकेंड, आपके पास दूसरा एक अच्छा ऑप्शन है इसके साथ, मैनुअल डिज़ाइन। मैनुअल एस्टिमेशन किस तरीके से करेंगे? तो मैनुअल एस्टिमेशन बहुत ही ईजी है। आपको वॉल्यूम निकालना आना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर वॉल्यूम निकालना आता है आपको तो आपको पता होना, जैसे अभी ब्रिक है, अगर मैं मान लीजिए ब्रिक का मुझे एस्टिमेशन करना है तो आपको पता है कि ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या है, 19x9x9 है, क्या सेंटीमीटर है। अगर मोर्टार है उसमें कितना हो जाएगा, 20x10x10 हो जाएगा। अब इसको आपको पता होना चाहिए कि 1 m³ में कितनी ब्रिक्स होती हैं, तो ये 500 ब्रिक्स होती हैं। अगर मैनुअली की भी बात करूँ तो 500 ब्रिक्स होती हैं, मतलब आपके पास जितना वॉल्यूम है उतना डिवाइड बाई 500 आपको पता चल जाएगा कि हमारे एस्टिमेशन की मतलब कि हमारा जो ब्रिक है ये कितना कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको सीमेंट का डेंसिटी पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले सीमेंट की डेंसिटी पता हो तो अभी आपको पता है कि 1440 होती है, 1440 kg/m³। आपकी सीमेंट की डेंसिटी होती है, अगर किलोन्यूटन में बात करें तो 14.4 kN/m³ उसकी डेंसिटी होती है। और इसके लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है? ड्राई वॉल्यूम इंटू वन बाई रेंज। अब ड्राई वॉल्यूम क्या होता है? ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका मोर्टार का रेशियो क्या है। मान लीजिए आपका मोर्टार का रेशियो कितना है, 1:6 है। 1:6 है तो उसका जो भी मोर्टार आएगा वो वेट वॉल्यूम जो भी आया उसका वेट वॉल्यूम कवर कर लीजिए। ये देखिए स्टेप है आपका वेट वॉल्यूम निकालने का। स्टेप के बाद आपका इसको 33% अगर इंक्रीज कर देंगे एज पर IS-456 तो आपको ड्राई वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका ड्राई वॉल्यूम मान लीजिए 0.306 आया, तो ड्राई वॉल्यूम बाई आपका जो भी रेंज है, रेंज क्या है, 1:6 का है, 1:6 का है ना आपका मोटर, तो रेंज कितना हो गया, 1+6 7 × 1। तो आपको इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका एस्टिमेशन इससे कैलकुलेट करके जो भी आया आपका वॉल्यूम उस इंटू 14.4 इससे कैलकुलेट करके आप निकाल लो। मान लो आपका 62 kg आया तो डिवाइड बाई 50 तो आपको 1.24 बैग, मतलब 1 m³ में आपको कितना लगेगा, आपको प्रॉपर सीमेंट 1.24 बैग लगेगा। सेम स्टेप आपका होता है सैंड के लिए भी, तो सैंड भी आप उसी तरीके से कैलकुलेट करके सैंड का भी एस्टिमेशन निकाल सकते हो। तो एक तो आपके पास स्टेप ये रहा कि इस तरीके से मैनुअल डिज़ाइन सीख लीजिए, अदरवाइज आपको ऑटोडेस्क एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, वहाँ से भी हम लोग इजिली जान सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा स्टेप है आपके पास, अगर आपको रैबिट सॉफ्टवेयर आता है तो रैबिट सॉफ्टवेयर में भी बहुत अच्छे तरीके से एस्टिमेशन कर सकते हो। उसके लिए मेरे 3 parts में वीडियोस हैं, अगर आप उसको डिस्कस कर लोगे, आप उसको अगर देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग हम लोग मैनुअल डिज़ाइन भी कर सकते हैं, एस्टिमेशन एस्टिमेशन ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेकऑफ सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास रैबिट आर्किटेक्चर का भी ऑप्शन हो गया है। तो इन तीनों ऑप्शन से आप पहले एस्टिमेशन सीख लीजिए, और अगर एक्सेल से भी सीखना है तो कई ढेर सारे ऑटो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप एस्टिमेशन एक्सेल के थ्रू भी सीख सकते हो, एक्सेल पे भी अगर कर लेते हो। इसके बाद कहीं भी आप अगर इंटरव्यू देते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ें पता है कि किस तरीके से हम लोग एस्टिमेट करेंगे, तो आप सामने वाले को बोल सकते हो। अब जैसे कि बात करूँ कि कई लोग क्वेश्चन दे देते हैं कि स्लैब है तो स्लैब का स्टील कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आप एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी के एक्सपर्ट हो तो आपको ये भी आपको सीख के जाना चाहिए। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे निकालेंगे वे, और उसमें क्रैंक लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इस वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक PPT आपको दिखानी पड़ेगी, उस PPT में आपको प्रेजेंट करूँगा कि किस तरीके से एस्टिमेशन निकाल सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर स्टील पता है तो स्टील को कैलकुलेट करने वेट को कैलकुलेट करने के लिए उसमें फॉर्मूला है D²/162.2। इस फॉर्मूले पर अगर रख देते हैं तो आपको पता चलेगा कितना स्टील आपका लगने वाला है। अदरवाइज अगर आपके पास स्टैट प्रो की स्किल है तो स्टैट प्रो से भी निकाल सकते हो कि किस तरीके से आप एस्टिमेशन निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बताओ मुझे और नेक्स्ट टॉपिक मुझे क्या लेना है, उस टॉपिक के वो मैं सर्वे करूंगा और उस पर मैं आपको एनालिसिस करके रिजल्ट दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।